नीरा यानी कि तारिका नया रूप। पटना में लगभग 200 से ज़्यादा इसके कैफ़े खुल चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के विकास भवन के पास और आप देखिए कि इसके प्रोत्साहन के लिए यानी नीरा बिक्री केंद्र की बात कर ले तो इसके प्रोत्साहन के लिए आज सुबह से पटना के DM और DD से भी उतरकर लोगों को प्रोत्साहित किया है नैराथन पटना की ओर से। और इसकी जो बहुत सारी खासियत भी बताई गई है, कर देगा आपको इम्यूनिटी को बूस्ट, इस तरह की बातें हैं। साथ ही साथ रोज़गार को लेकर के भी एक तरह से कहे तो नीरा को निकाला गया है, जीविका के तौर पर भी देखा जाता है। अमृत जीविका महिला नीरा उत्पादन समूह प्रखंड फुलवारी शरीफ की ओर से है। तो ये बताइए, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं क्रेता, कितने लोग आ जा रहे हैं? चूँकि नीरा शब्द सुनकर भी बहुत सारे लोग आकर्षित होकर के यहाँ आते होंगे पीने के लिए, तो कितने लोग सुबह से आ जा रहे हैं? सुबह से आज करीब करीब नहीं तो नहीं हो 20-30 आदमी आ चुके हैं। आज बंदी है इसलिए, अच्छा, नहीं तो खुला रहता है तो बहुत लोग आते हैं, मतलब गिनती नहीं, मतलब मिल नहीं पाता है। अच्छा। ये सब जो खुला रहेगा ना तो उस समय मिल नहीं पाता, 10 बजते 11 बजते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है हमारे तो पास। खत्म हो जाने के बाद क्या करते हैं? ख़त्म कर हो जाने के बाद फिर हमारे पास अभी कोई उपलब्ध नहीं है, करेंगे धीरे धीरे तो दुकान सारे दिन खुला रखेंगे। अच्छा, जैसे हम बिक्री की बात कर ले रहे हैं तो किस तबके के लोग ज़्यादा आ रहे हैं? ज़्यादा तो आ रहे हैं जो डिप्टी करते हैं, सर्विस लोग करते हैं सब, न्यू सचिवालय में उन लोग ज़्यादा पीते हैं, और ऐसे भी लोग रोड पर भी चलते हैं उन लोग भी पीते हैं, अच्छा लगता है, कहते हैं अच्छा लगता है। अच्छा। कोई 2 गिलास कोई 3 गिलास ज़रूर पीते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, तो अच्छा, तो अच्छा, क्या इसमें नशा भी है? नशा इसमें कुछ भी नहीं है। कैसे बनता है ये? बनता है सुबह सुबह, पहले जो बताया आपको पहले कि इसमें लबनी धोवाता है, लबनी धोवाएगा तो सूखेगा तो उसमें चूना लगाकर टांगा जाएगा, और टंगा जाएगा तो फिर सुबह सुबह क्रीम को फूटने से पहले ही चौधरी लोग हम लोग का दे देता है उतार के। मैंने एक ही दिन में आपको ये? हाँ, एक ही दिन, हाँ, खाली सुबह का ही मिलता है। अच्छा। शाम वाला नहीं, शाम का तैयार नहीं होता, खाली सुबह जो उतरता है वही तैयार होता है मेरा। तो जैसे कि आपने बताया जो मिट्टी का बर्तन होता है जिसे लबनी का नाम आपने लबनी दिया है, जी हाँ, तो एक ही दिन में, मतलब एक दिन में उसको टांगा जाता है और उसी दिन उतार लिया जाता है और जी एक हाँ ये तैयार हो जाता जी है? जी, डबल लबनी रहता है उस पर। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि क्या महिलाएं भी इसे इसमें हिस्सा बढ़ चढ़ कर ले रही है? महिलाएं भी पी रही हैं? हम महिलाएं भी पी रहे हैं। अच्छा, कितनी संख्या में महिला होंगी? महिलाएं होंगी कम से कम अभी इतना दिन में 10-12 पी चुके हैं। सारी ड्यूटी वाली होती है? ड्यूटी वाले 4-5 पीते हैं, और आज जो आए थे महिलाएं सब पिए, जो आज उद्घाटन किए सभी लोग महिलाएं पिए आज। और युवा वर्ग की बात कर रहे हैं, युवा कितना ज़्यादा आ रहा है? युवा बहुत ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा युवा आता है। युवा जैसे कि आपका शॉप सुबह में ही खुला रहता है या फिर शाम सारा दिन? नहीं, अभी तो सुबह ही 7 बजे से 8 बजे तक 8 बजे 7 बजे दुकान खोल देते हैं। कितने बजे तक रहता है खुला? और अभी तो वही 10-11 बजे तक रहता है खुला हुआ। तो देखिए कि सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही, नीरा पीना चाहती है, इनके स्वाद को चखना चाहती है, जानना भी चाहती है। देखिए, नीरा की खासियत यूँ कहें तो एक पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है, तारी छोड़ो नीरा अपनाओ, नीरा अपनाओ सेहत बनाओ। नीरा की खासियत आँखों के विकार, कब्ज, दमा रोग, मधुमेह, जॉन्डिस, पाइल्स, नीरा यानी कि ये सारे पीने से आपको, ये नीरा पीने से इन सारी बीमारियों से आपको जो है छुटकारा मिलेगा। यूँ कहे तो इसे नीरा को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। नीरा बनाने की जो तैयारी थी उसे भी आपने देख लिया और उन्होंने जान लिया कि किस तरह से नीरा तैयार की जाती है। ऐसे तो कहा जाता है कि तारी पीने से नशीला पदार्थ होता है, लेकिन जिस तरह से बनाने की जो प्रक्रिया बताई है उन्होंने बताया कि इसमें किसी तरह का नशा नहीं होता। एक ही दिनों में जो वो मिट्टी के बर्तन होते हैं लबनी, उसे टांगने के बाद एक ही दिन में उसे उतार लिया जाता है और वही उसी को प्यूरीफाई करके यहाँ पर लोगों तक पहुँचाया जाता है। फिलहाल के लिए ताही बने रहे कृष्ण सिंह के साथ, पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।